हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकबेथ। तो अभी तक मैकबेथ में मैंने 5 एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो ये छठा एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मैकबेथ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ओके, या फिर आप कहें समरी हो या डिटेल स्टडी हो, सब कुछ मिल जाएगा। आर्म्स एंड द मैन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और भी बहुत सारे प्रोज पोइट्री के लेसन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन 6 आज हम लोग को पढ़ना है, और 6 में यहाँ से आपको पूछेगा, एग्ज़ाम में इतना दिया रहेगा, दिस सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड, इफ़ इल वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस कमेंसिंग इन ए ट्रूथ। इतना आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, इसका आपसे पूछेगा, इसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब इसका रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए और एक्सप्लेनेशन, ओके। तो रेफरेंस में मैं आपको बार बार बताता हूँ क्या लिखना रहता है, कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो जो चारों लाइनें हैं कहाँ से ली गई हैं, दीज लाइन्स अगर इन सीन थर्ड ऑफ द फर्स्ट एक्ट शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले मैकबेथ, यानी कि शेक्सपियर का जो दुखांत नाटक मैकबेथ है उसके फर्स्ट एक्ट के थर्ड सीन से लिया गया है। ध्यान दीजिए, मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट से, ये यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ, फर्स्ट एक्ट के थर्ड सीन से लिया गया है, ओके। तो ये इतना आपको रेफरेंस में लिखना रहता है। फिर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, कि इन चारों लाइनों के बारे में थोड़ा सा आपको पहले जानकारी दे देना है। मैकबेथ इज़ रिटर्निंग आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द रेबल्स, यानी कि विद्रोहियों का दमन करने के बाद, जीतने के बाद मैकबेथ वापस लौट रहा है, बैंको भी साथ में है। द मैसेंजर्स ऑफ द किंग स्टॉप हिम ऑन द वे एंड डिक्लेयर दैट द किंग हैज़ अपॉइंटेड हिम द थेन ऑफ कैडोर। तो जब लौट रहे थे बैंको और मैकबेथ, तो रास्ते में किंग डंकन के दो सिपाही, या हम कह सकते हैं दो उनके सैनिक, रास्ते में बैंको को और मैकबेथ को रोक लेते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि राजा ने आपको क्या नियुक्त कर दिया है, थेन ऑफ कैडोर, यानी कैडोर का थेन बना दिया है। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट मैकबेथ पॉन्डर्स ओवर द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस एंड देयर वैलिडिटी। ये सारी अनाउंसमेंट यानी घोषणा सुनने के बाद मैकबेथ सोचता है उन भविष्यवाणियों के बारे में जो चुड़ैलों ने किया था, जो तीन भविष्यवाणी चुड़ैल इसको क्या, इसको और कुछ हम बोल सकते हैं कि नहीं, हमें चुड़ैल बोलने में थोड़ा अजीब लगता, भूतनी कह सकते हैं, ओके। तो तीन जो भूतनियाँ थी उन्होंने मैकबेथ के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसीज का मतलब भविष्यवाणी, उसी पर मैकबेथ पॉन्डर्स का मतलब चिंतन करने लगा, क्योंकि भविष्यवाणी क्या की थी चुड़ैलों ने, एक भविष्यवाणी की थी कि आप थेन ऑफ कैडोर बनेंगे, एक की थी थेन ऑफ ग्लैमिस बनेंगे, और एक तीसरी भविष्यवाणी क्या थी कि थेन आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। तो थेन ऑफ कैडोर तो बन गया, तो मैकबेथ सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी दोनों आने वाली भविष्यवाणियाँ भी सत्य होंगी, यानी मैं थेन ऑफ ग्लैमिस भी बनूंगा, ग्लैमिस का थेन, फिर स्कॉटलैंड का किंग बनूंगा, ओके। तो वो सोचने लगा, और उनके वैलिडिटी मतलब एक प्रकार से उनकी सच्चाई पर थोड़ा सा ध्यान देने लगा, कि क्या जो चुड़ैलें बता रही हैं ये सच है कि नहीं, ओके। तो इतना आपको पहले लिखना है कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में। वैलिडिटी का मतलब कई होता है, ओके, कई मतलब होता है, तो यहाँ पर दूसरा मतलब है। एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में मैकबेथ सेज टू हिमसेल्फ, मैकबेथ स्वयं से कहता है, दैट की वाट एवर ही हैज़ हर्ड फ्रॉम द विचेस, जो कुछ भी इसने चुड़ैलों के द्वारा सुना है अबाउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में, कैन नाइदर बी गुड नॉर इविल, वो ना तो बुरा हो सकता ना तो अच्छा हो सकता। मैकबेथ सोचता है अपने मन में कि चुड़ैलों ने मेरे बारे में जो तीन भविष्यवाणियाँ की हैं ये गलत तो नहीं हो सकता, यानी कि मेरे साथ ना तो अच्छा हो सकता है ना तो बुरा। द प्रॉफिटिक इंसाइटमेंट फ्रॉम द सुपर नेचुरल फोर्सेज और द विचेस इज़ नॉट टोटली अनलेस, यानी कि प्रॉफिटिक इंसाइटमेंट का मतलब वो जो तीन भविष्यवाणियाँ हैं उसी को यहाँ पर प्रॉफिटिक इंसाइटमेंट कहा गया, ओके। फ्रॉम द सुपर नेचुरल फोर्सेज, सुपर नेचुरल फोर्सेज का मतलब जो अलौकिक चीज़ें हैं, अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक शक्ति का मतलब वही तीन चुड़ैलें, देखिए आर करके विचेस लिखा, तो आर जहाँ लगा होता है मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो सुपर नेचुरल फोर्सेज यानी द विचेस के द्वारा जो तीन भविष्यवाणियाँ की गई हैं
मैकबेथ कहता है इज़ नॉट टोटली अनलेस, वो बेकार नहीं है, बिकॉज क्योंकि वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोफेसी हैज़ प्रूव्ड रियल, क्योंकि उनमें से एक जो था वो तो सच हो चुका है, जो एक भविष्यवाणी थी वो तो सत्य हो चुकी, यानी कि मैं थेन ऑफ कैडोर बन गया हूँ, अब थेन ऑफ ग्लैमिस बनना है, फिर स्कॉटलैंड का किंग बनना है, तो एक सच हो गई, इसका मतलब दो भी जो दो है वो भी सच हो जाएगी। ही इज़ लॉर्ड ऑफ कैडोर, अब वो कैडोर का क्या हो गया, लॉर्ड हो गया, ही इट हैज़ गिवन हिम एज्योरेंस, इसने उसको क्या दे दिया, एक विश्वास दे दिया। जब मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर बन गया तो मैकबेथ को विश्वास हो गया, एज्योरेंस का मतलब विश्वास उसको हो गया ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का, सो इट कैन नॉट बी बैड, इसलिए गलत नहीं हो सकता। मैकबेथ ने कहा भविष्यवाणियाँ जो हैं वो गलत नहीं हो सकती, हमारा बुरा नहीं होगा, ओके मतलब चूंकि एक भविष्यवाणी सही हो गई इसलिए अब हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। मैकबेथ कंसीडर्स, मैकबेथ सोचता है दैट द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस, कि चुड़ैलों की भविष्यवाणियाँ आर गुड, अच्छी हैं फॉर हिम, उसके लिए मैकबेथ सोचता है कि हमारे लिए बुरी नहीं, हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणी है, एंड देयर इज़ इनफ ग्राउंड दैट दे मे बी ट्रस्टेड, और बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ सच है। आधार कौन सा है, आधार यही है कि पहली भविष्यवाणी सच हो गई थी, ओके तो मैकबेथ कहता है ऐसा कारण है हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ सही है। बैंको बार बार समझाता है कि नहीं उनकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, लेकिन बैंको कहता है नहीं हमारे पास कारण है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य क्यों हो सकती है। तो बैंको ने कहा कौन सा कारण है, तो उसने समझाया मैकबेथ ने बैंको को, कहा कि देखो हमारी पहली भविष्यवाणी सच हो गई है, मैं थेन ऑफ कैडोर बन गया हूँ, इसलिए आने वाली दोनों भी सच हो जाएंगी, ओके। तो ये वीडियो था इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन, ओके ये 6 था, और इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 6 एक्सप्लेनेशन आपके हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।